माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड नंबर 3। तो मैंने ऑफलाइन देख के पूरे 13 आयरन माइन किए थे। मैं काफी अच्छी है माइन करना चाहता था, बट मेरे को मिली नहीं। खाली केव के अंदर 13 आयरन मिले जो मैंने माइन कर लिए। अब जल्दी से इन सबको चेस्ट में रखते हैं। सबसे पहले तो अपन भाई चेस्ट में आयरन देते हैं, और भाई ये थोड़ा मीट है जो भी इसमें रखा है मेरे पास, सब कुछ चेस्ट में रख देते हैं। देन चलते अपन बाहर। मैं सोच रहा हूँ आज अपना जो आधा फार्म है उसका पूरा कर दूंगा, क्योंकि फार्म आधा रह गया था मेरा। और राइट गाइस, तो लेट्स गो, चलते हैं बाहर। और भाई डेडपूल तो पता नहीं कहाँ पर गया है, तो लेट्स गो देखते हैं डेडपूल कहाँ गया है। और सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ बना दूं मैं। एक सेकंड रुको, ये डेडपूल भाई मैंने अभी देखा कि मेरे घर में जा रहा है एक, क्यों? लेकिन भाई मेरे घर में डेडपूल क्यों जा रहा है? इसको तो कुछ भी काम नहीं मेरे में। अगर मेरे से मिला तो भाई मेरे पास आता, लेकिन भाई जा कहाँ गया? भाई मेरे चेस्ट की तरफ गया। इसकी रुको ऐसी अपन भाई पहले दुबकते हैं और देखने वाले कि भाई चेस्ट में से निकालने क्या वाला है। और राइट गाइस, डेडपूल को अंदर जाने देते हैं, चेक करते हैं क्या निकाला इसने चेस्ट में से। अगर इसने कुछ भी लिया होगा, अगर मैं इससे पूछा कि तूने ये लिया, अगर इसने मना कर दिया तो भाई मेरा बहुत बेड़ा खराब होने वाला है उसके बाद, क्योंकि एक तो इसने ले लिया और जुटोला है। इसने मेरे पूरे 13 आयरन ले लिए और कुछ भी नहीं लिया। तो इसको पहले से पूछते हैं कि इसने 13 आयरन लिए क्यों, कुछ जरूरत होगी तो भाई कोई बात नहीं है। अगर इसने भाई फालतू में लिया बताएगा भी तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो भाई डेडपूल यार, भाई तुमने क्या मेरे चेस्ट में 13 आयरन लिए थे भाई? भाई 13 आयरन लिए तूने मेरे चेस्ट में से? अच्छा नहीं लिए पक्के में ना? और राइट गाइस, इसने मेरे से 13 आयरन लिए है और भाई मना कर रहा है किसने मेरे से आयरन नहीं लिए। तो मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना मैं एक सीक्रेट बेस बनाऊं जिसके अंदर अपना आयरन डायमंड गोल्ड जो भी लेके आ करूंगा सब कुछ उसी के अंदर रखा करूंगा, जिससे इसको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा मजा आएगा और सीक्रेट बेस के अंदर हम कभी भाई इसको ट्रोल भी करा करेंगे। और राइट गाइस, तो भाई मेरे पीछे पीछे लगा था, तो दिन भर इसकी ऐसी की तैसी। और राइट इसको कुछ काम दे देते हैं, भाई पीछे नहीं आएगा। भाई अब डेडपूल अपना घर जाके बना ले अच्छा सा, और ये फूड ले जाकर हेल्थ का मुझे तो उसको खा लेना। और भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से बाहर, ठीक है डेडपूल? और राइट गाइस, डेडपूल से मैंने बोल दिया, और डेडपूल जा चल अपने घर पे जा। कॉप चुक तेरा इसकी ऐसी की तरह साले भिखारी समझ आया क्या? एक तो खाना दे रहा हूँ पका हुआ। और राइट गाइस, तो इसको जाने देते हैं अपन, और अपन चलते अपना सीक्रेट बेस बनाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि सीक्रेट बेस भाई अपने फार्म पे ही बना लूँ मैं, तो फार्म के नीचे गड्ढा कर दोनों तरफ से भाई फार्म बन जाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा फार्म के बीच में मेरा सीक्रेट बेस है। भाई कितना नेक्स्ट लेवल दिमाग है मेरा। और राइट, तो अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं। और फार्म बनाने यहाँ पे तीन ब्लॉक का मैं गैप दूँ, मतलब तीन ब्लॉक से खोदने वाला हूँ। तो लेट्स गो, जल्दी जल्दी इसको भाई पूरा खोद लेते हैं। गाइस रात हो चुकी थी इसलिए मैं बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि रात में जॉम्बी वगैरह वैसे परेशान करते हैं। सबसे पहले चलता हुआ मैं जाता हूँ कॉल लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, इसलिए भाई डेडपूल से थोड़ा बहुत कॉल ले लेते हैं, क्योंकि भाई वो माइनिंग पर गया था, वो भी माइनिंग पर गया था मेरे साथ, उसको कॉल मिला था, मेरे को आयरन मिला था, इसलिए उसने मेरा आयरन चुरा लिया उस चोर ने। तो उससे कम से कम कॉल तो ले ही लेते अपन डेडपूल से, कॉल लेके देन अपना सो के देन तो आज चलेंगे उस बाग पूरा कंप्लीट करने। डेडपूल कहा भाई ये रहा डेडपूल, कॉल आ गया तेरे पास भाई? कॉल है डेडपूल? कॉल हैगा? कॉल भाई इस पे तो रहा है भाई, कॉल दे जल्दी से, कॉल दे। और बस कॉल लेके चलता अपने घर पे सोने के लिए, देन उसका भाई पूरा कंप्लीट करेंगे। और राइट गाइस, उसने मेरे को कॉल दे दिया है, तो लेट्स गो। एक सेकंड यार, सामने क्रीपर है, अगर मैं चढ़ गया तो भाई फटेगा नहीं, छुपा तो फटेगा। शिट फट गया, शिट फट गया यार, शिट गाइस पूरा दिमाग खराब हो जाता था, क्या क्रीपर वीपर फट जाता तो ऐसा। चलो देखो सोते हैं। और राइट गाइस, सुबह हो चुकी है भाई, सुबह क्रीपर फट गया था, तो क्रीपर को अब फटा है वहाँ पे सही करना पड़ेगा पूरा। और राइट गाइस, इसको जल्दी से ठीक करते हैं, देन उसके बाद भाई रिम्यूज करते हैं अपना फार्म बनाने को। इसको देखो भाई अलग ही मस्ती चढ़ी इसको, भाई इस गड्ढे में इसको कूदने क्या होती नहीं, क्या ही भाई जानवर आदमी नहीं भाई, ये जानवर एकदम जानवर, जहरीला ना गए भाई, डेडपूल नहीं जहरीला ना गए। और राइट गाइस, तो हमारा फार्म सॉरी हमारा सीक्रेट ऑल राइट कम्प्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे भाई पूरा खोदना दूंगा, देन उसका कम्प्लीट हो जाएगा।
गाइस मेरा नॉर्मल सा सीक्रेट ब्रेस था, इसलिए मैंने आपको फास्ट पावर में दिखा दिया है। और भाई सीक्रेट ब्रेस ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। और राइट गाइस, तो हमको पूरा भाग से भाई पूरा फार्म बनाना पड़ेगा, जिससे सीक्रेट ब्रेस की लोकेशन नहीं दिखे। तो सीक्रेट का फार्म बनाने के लिए ऊपर खोजना पड़ेगा यहाँ पे पूरे में, और देन उसके बाद अपन चलता है सबसे पहले वुड को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर पूरा पैक करना पड़ेगा वापस से डेडपूल को, बताएं चला जाइए कि यहाँ पे सीक्रेट बेस है। तो चलते जल्दी चलते हैं भाई। डेडपूल क्या करता है, डेडपूल अपना घर तोड़ दिया पूरा, बट अपने तो बना नहीं पाया अभी तक, मैं इतनी मतलब कितनी घर बना था। ऑल राइट है, सामने जब जितने यहाँ पर व्हाइट कलर के पेड़ है, इन सबसे वो बनाया, तो इन सबसे हमको सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो लेट्स को चलते जल्दी से पूरा व्हाइट कलर का पेड़ का जंगल गाड़ने, दैन उसके बाद बनाने वाले अपन भाई साहब पूरा अपना सीक्रेट बेस का। हम सीक्रेट एंट्रेंस भी बना रहे क्योंकि भाई डेडपूल को पता चल गया भाई, डेडपूल भाई पूरा दिमाग खिला डालेगा उसके बाद भाई साहब से उतारा हूँ। और राइट का तो सामने जितने पेड़ है सबको अपन काटने वाले हैं, तो लेट्स जल्दी से काट लेते हैं। सारी वुड तो मैंने यहाँ पे तोड़ ली है, तो मेरे को वैसे यहाँ पे भाई सेम टू सेम जैसा यहाँ पे देन उसी तरह बिल्ड करते हुए जाना है और कुछ भी नहीं करना। तो लेट्स गो, सबसे पहले गिनते हैं कितना लॉक्स का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लॉक्स का है। तो जल्दी से इसको बना देता हूँ, और इसको बनाने की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए आपसे को फास्ट फॉरवर्ड दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स को बना देते हैं। ओके गाइस, तो हमारा फार्म इस तरफ का ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस यहाँ पर दर्ट्स लगानी है, देन कुछ पत्थर जो उसका स्टोन होता है उसे थोड़ी बहुत सजावट करनी है, देन कंप्लीट हो जाएगा अपना पूरा फार्म। देन उसके बाद भाई अपने इसके अंदर गेट लगाएंगे, गेट लगा दूँ ताकि तुम उसको पता चल सकता है गेट क्यों लगाया है, लेकिन अपने गेट लगाने पर ऑग लॉक्स ही लग देंगे, ऑग लॉक्स होकर सीधे अंदर जा करेंगे और देन ऑग लॉक्स के बाद ही बाहर आ करेंगे। तो लेट्स गो गाइस, जल्दी से थोड़ा वुड डर्ट कम पड़ गई थी, डर्ट जहाँ पे हम ले लूँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नीचे केप भी है, तो इस केप को तो तुरंत ढक भी देंगे हम, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और राइट गाइस, तो यहाँ पे पूरा पानी डालना है, तो इसमें पूरा पानी डाल के कम्प्लीट कर दिया, आप लोग बोर हो जाते उसको देख के, इसलिए मैं उसको नहीं दिखाया आप सभी को, फास्ट फॉरवर्ड दिखा दिया। गाइस गेट लगा देता हूँ गाइस, गेट तो उसको पता तो चल ही जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे गेट भी कर लो। उसको भाई देखो, इसको अभी चुल्ल मछली, इसको ये नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ इसके जितना भी सामान है सब चोरी कर लूँगा। इस वीडियो 10 लाख आती हैं तो ओनली 10 लाख के लिए भाई पूरा सामान चोरी कर डालूंगा घर में, जो जो है उसको पता भी नहीं चलेगा, अपने सीक्रेट बेस में आकर धर लूँगा, इतना अच्छी बात है ना गाइस। और डेट इसके अंदर सबसे पहले तो अपन टॉर्च लगा देंगे, टॉर्च की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। और राइट कैसे यहाँ पे थोड़ा भाई खोद देता हूँ यहाँ पे अपना सीक्रेट बेस, क्योंकि सीक्रेट बेस आने के लिए एंट्री चाहिए, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी में आया पीछे होगा और मैं खोदने के लिए रुका तो यहाँ पर देर हो सकती है, इसलिए यहाँ पे भाई जल्दी से खोद देता हूँ। और राइट गाइस, यहाँ पे खोद को पहले तैयार कर देता हूँ पूरा, कि भाई दो ब्लॉक तोड़े और सीधा अंदर आए अपने सीक्रेट बेस के अंदर, कुछ इस टाइप का सीक्रेट बेस रखने वाले हूँ अपना। और पता था भाई कैसे नहीं चलने वाला उसको कि फार्म के नीचे सीक्रेट बेस होगा, क्योंकि फार्म से कुछ करता नहीं है, सब फार्म का काम मैं करता हूँ, और फार्म का बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब जिसका इसकी सीक्रेट बेस में सोच रहा हूँ कि अपने घर से एंट्रेंस निकाल दूँ उसकी करके नीचे से, तो भाई उसको देखेंगे अगली वीडियो में। अभी तो यही अपना फार्म है मेरा, मतलब सीक्रेट बेस है, फार्म तो है यही लेकिन सीक्रेट बेस भी है। हमारे पास सीट्स नहीं थी इसलिए उस तरफ हमने सीट्स नहीं लगाई अभी। और राइट गाइस, तो यहाँ पर सेम टू सेम टेक्सचर देने के लिए मेरे को वहाँ पर भाई थोड़ी बहुत डर्ट भी लगानी पड़ेगी, जिससे एकदम सेम टू सेम टेक्सचर आ जाएगा। तो लेट हो जल्दी इन डर्ट्स को भाई लगा देते हैं, जिससे सेम टू सेम टेक्सचर आ जाए। और राइट गाइस, इस तरफ भी सेम टू सेम लगा देना है, कि वुड्स मेरे को अच्छी लग रही, डर्ट्स ज़्यादा क्लीन लग रही, इसको भाई बीट्स हो जाएगी ना पीली पीली, काफ़ी कूल लगेगी। या इन पर अपन पेड़ उगा देंगे तो और ज़्यादा कूल लगेगी, जो डर्ट्स गलत लगी अभी इस वही डर्ट्स कम पड़ चुकी है, डर्ट्स को थोड़ा तोड़ लेते हैं अपन, या फिर बोलो माइंड कर लेते डर्ट्स को, जो भी बोलता है कर लेते हैं। और राइट गाइस, तो चलो पहले भाई इसको लगा, अरे भाई कितना तुम्हारा इसको छंडना दिक्कत है। और लाइट क्योंकि इस तरफ से तो इस तरफ पूरा हो चुका है, इस तरफ बेकार लग रहा है एक ब्लॉक के चक्कर में, इसलिए अपने यहाँ पर थोड़ी दो ब्लॉक तोड़ लेते हैं। और भाई देखो स्केलेटन को देखो धूप में चलते रहे, और देखो मेरे पास तीर मारेगा अभी, डेडपूल का लग जाता भाई, पुप सन्ना आया था, पागल हो गया था पूरा। और यहाँ पर लगा स्टोन, सबसे पहले अपन स्टोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे स्टोन सबसे पहले लगा देते नीचे और ऊपर भी लगा देते स्टोन, जल्दी छड़ गई भाई इसके, तो सॉरी स्टोन
डर्ट और राइट गाइस डर्ट लगा देते हैं और राइट गाइस डेडपूल यहाँ पे भी आ गया और भाई तो चाटा मार दिया उसने फालतू भी बच के ऑलमोस्ट मैं किल होते होते भाई किल होते होते बच के ऐसी की तरह। और राइट गाइस तो ये हमारा सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 3 कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। और भाई इस वीडियो 10 लाइक आती हैं तो मैं इसका इतना डेंजर रिवेंज लूँगा, इसका सारा सामान चोरी कर दूंगा और इसको पता भी नहीं चलेगा, उसके नीचे से अंडरग्राउंड सुरंग भी बना दूंगा मैं। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।